आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। मेरा एक और मंत्र याद रखिएगा, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। जैसे ज्योतिरादित्य जी के पिताजी हमारे माधवराव सिंधिया जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने शताब्दी ट्रेनों की शुरू करवाई थी। इसके 3 दशक बाद तक भारत में फिर ऐसी आधुनिक ट्रेनें नहीं शुरू हो पाई। अब देश में वंदे भारत का भी जलवा है और कल ही नमो भारत की रफ्तार भी आपने देखी है। साथियों, यहां आने से पहले मैं सिंधिया स्कूल के अलग अलग हाउसेस के नाम देख रहा था और ज्योतिरादित्य जी मुझे समझा भी रहे थे, स्वराज के संकल्प से जुड़े वो नाम ही कितनी बड़ी प्रेरणा है आपके लिए। शिवाजी हाउस, महाजी हाउस, राणोजी हाउस, दत्ताजी हाउस, कनरखेड़ हाउस, नीमाजी हाउस, माधव हाउस, एक तरह से सप्त ऋषियों की ताकत है आपके पास। और मैं सोच रहा हूं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को 9 टास्क भी दूं, क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम हो और आप होमवर्क न दें तो पूरा नहीं होता है। तो मैं आज आपको 9 टास्क देना चाहता हूं, याद रखोगे? आपकी आवाज दब गई भाई, क्या कारण है? याद रखोगे? उसको संकल्प बनाओगे? जीवन भर उसको पूरा करने के लिए काम करोगे? पहला, आप लोग यहां जल संरक्षण का इतना काम करते हैं, वॉटर सिक्योरिटी 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए आप लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाइए। दूसरा, सिंधिया स्कूल में गांव गोद लेने की परंपरा रही है, आप लोग और भी गांव जाइए, वहां डिजिटल लेन देन के प्रति लोगों को इन्फॉर्म करिए। तीसरा, स्वच्छता का मिशन, मध्य प्रदेश का इंदौर सफाई में नंबर 1 हो, अगर ये सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो ये मेरा ग्वालियर क्यों नहीं हो सकता? आप अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का भी बीड़ा उठाइए। चौथा, वोकल फॉर लोकल, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, ट्रैवल इन इंडिया फर्स्ट, जितना हो सके पहले अपना देश देखिए, अपने देश में घूमिए, फिर विदेशों का रुख कीजिए। छठा, नेचुरल फार्मिंग के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए, ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। सातवां, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करिए, इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। आप जानते हैं ना, ये सुपर फूड होता है। आठवां, फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। आज ही यहां मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी हुआ है।
इसका भी आप खूब लाभ उठाइए। और नवा, कम से कम एक गरीब परिवार की हैंड होल्डिंग जरूर करिए। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पक्का घर नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। साथियों, आज का भारत जो भी कर रहा है वो मेगा स्केल पर कर रहा है, इसलिए आपको भी अपने फ्यूचर को लेकर छोटा नहीं सोचना है। आपके सपने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज नमो ऐप पर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब मैं व्हाट्सएप पर भी हूं, वहां से आपसे कनेक्ट हो सकता हूं। आप चाहे तो अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। साथियों, जीवन ऐसे ही हंसी मजाक में चलते रहना चाहिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है। आपको याद रखना है, सिंधिया स्कूल सिर्फ एक संस्थान भर नहीं है बल्कि एक विरासत है। महाराज माधवराव जी के संकल्पों को स्कूल ने आजादी के पहले और आजादी के बाद भी निरंतर आगे बढ़ाया है। अब इसकी ध्वजा आपके पास है। थोड़ी देर पहले जिन युवा साथियों को पुरस्कृत किया गया है, मैं उन्हें फिर से बधाई देता हूं। एक बार फिर सिंधिया स्कूल को और सभी युवा साथियों को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए और यहां पर दरअसल सिंधिया स्कूल का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया और 125वां स्थापना दिवस समारोह यहां पर मनाया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया और कुछ टास्क बच्चों को दिए हैं। जो टास्क पूरे उन बच्चों को करने हैं, उन्होंने कहा है कि जब स्कूल की बात हो रही है तो बच्चों को होमवर्क तो दिया ही जाना चाहिए। तो उन्होंने सभी से ये पूछा भी कि जो टास्क दिए जा रहे हैं क्या वे इस टास्क को पूरा करने का काम करेंगे। बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद हैं, प्रदेश के राज्यपाल भी यहां पर मौजूद हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया स्कूल स्वयं आचार्य की उनके पूर्वज जो हैं उन्होंने शुरुआत की थी। और आज जब सिंधिया स्कूल के 125 साल हो चुके हैं, 125वां स्थापना दिवस समारोह यहां पर मनाया जा रहा है, तो छात्र उनके परिजन और सिंधिया स्कूल से जुड़े तमाम वे लोग यहां पर मौजूद हैं और इस पल के गवाह बन रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम ग्वालियर से दिखा रहे हैं, जहां पर सिंधिया स्कूल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया, दुल्हन की तरह सजाया गया और ग्वालियर में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। पहले प्रधानमंत्री हैं
नरेंद्र मोदी, हालांकि इसके पहले जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं वे सिंधिया स्कूल गए जरूर हैं, लेकिन आपको बता दें कि वे तब प्रधानमंत्री नहीं थे। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो सिंधिया स्कूल गए हैं और उसके बतौर मुख्य प्रधानमंत्री उन्होंने वहां के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इसी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की भी तस्वीर जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे। तो सिंधिया स्कूल का स्थापना दिवस समारोह आज मनाया गया और सबसे खास बात यह है कि 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री को यहां पर पहुंचना था। कार्यक्रम के मुताबिक वे पहुंचे और जो सिंधिया स्कूल की खासियतें हैं, चाहे वो समाज सेवा की बात की जाए, यहां पर जिस तरीके से जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है, देखिए ये तस्वीरें जो है, ये सारी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं 15